कोरोना संकट के बीच अजीम प्रेमजनी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लॉकडाउन के बीच सर्वे में पता चला कि 2/3 से ज्यादा लोगों के पास रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। वही जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी कमाई में भारी कमी आई है। आलम यह है कि आधे से ज्यादा घरों में कुल कमाई से हफ्ते भर का जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ है बल्कि उसके सारे चल रहे स्वरोजगार के तमाम धंधे भी बंद होते जा रहे हैं। यह चिंता की ज्यादा बड़ी वजह है। सर्वे में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के करीब 4000 मजदूर शामिल हुए। शोधकर्ताओं ने मजदूरों से उनकी माली हालात और फरवरी से लेकर लॉकडाउन के दौरान हो रही कमाई के बारे में सवाल पूछे। स्वरोजगार से जुड़े लोगों को दिहाई मजदूरों और सामान्य नौकरी पेशा मजदूर से भी बातचीत की गई। ग्रामीणों के इलाके में बेरोजगार का आंकड़ा शहरों से थोड़ा कम है, यह लगभग 57%, यानी हर 10 में से 6 लोग प्रभावित हुए हैं। वही शहरी क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब है, हर 10 में से 8 लोगों का रोजगार छिन गया है, यानी 80% लोग बेरोजगार हो गए हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी आमदनी प्रभावित हुई है। गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी 90% घटी है। पहले जहां वे हर हफ्ते औसतन 2,240 रुपए कमा लेते थे, अब कमाई महज 218 रुपए ही रह गए हैं। जो दिहाड़ी कामगार फरवरी महीने में हर हफ्ते औसतन 940 रुपए कमा लेता था उसकी आमदनी करीब आधी हो गई है। सर्वे के सुझाव में कहा गया कि सभी जरूरतमंदों को कम से कम अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन देने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां रह रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। यूनिवर्सिटी से जरूरतमंदों की पहचान कर उनके खाते में कम से कम 2 महीने 7,000 रुपए डालने का इंतजाम करने की सलाह दी है। यह देश के लिए काफी गंभीर स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।